मकबूल अहमद साबरी एक ऐसे बेहतरीन कव्वाली सिंगर जिन्होंने अपनी सिंगिंग से सब पर अपना जादू चलाया। इतना ही नहीं, साबरी ब्रदर्स के फेमस कव्वाली ग्रुप के लीडिंग मेंबर भी थे मकबूल। आज उनके जन्मदिन के मौके पर अपने इस वीडियो में मैं उनसे जुड़ी कुछ खास बातें आपसे करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। मकबूल का जन्म 12 अक्टूबर 1945 को ब्रिटिश रूल में यानी कि कल्याण ईस्टर्न पंजाब में हुआ था। हालांकि उनका जन्म तो इंडिया में हुआ था, लेकिन पार्टीशन के दौरान उनकी पूरी फैमिली पाकिस्तान शिफ्ट हो गई। मकबूल की फैमिली को संगीत तो जैसे पीढ़ियों से ही विरासत में मिला था, इसी के कारण मकबूल की भी बचपन से संगीत में गहरी रुचि रही। मकबूल के म्यूज़िक के प्रति इसी लगाव को देखते हुए उनके म्यूज़िक की तालीम शुरू हुई और उन्होंने शुरुआत में हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक सीखा और उन्हें ट्रेन किया खुद उनके पिता इनायत सेन साबरी और उनके बड़े भाई ग़ुलाम फरीद साबरी ने। इसके बाद अपने पिता की मदद से मकबूल ने 11 साल की उम्र में एक कव्वाली ग्रुप शुरू किया, बच्चा कव्वाल पार्टी के नाम से। यूं तो उनका पहला पब्लिक परफॉर्मेंस 1956 में हुआ था, उर्स के मौके पर। लोगों ने उनका गाना इतना पसंद किया कि मकबूल देखते ही देखते उस पार्टी के लीडर बन गए। इतना ही नहीं, उनके बड़े भाई ग़ुलाम फरीद ने भी इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया और ये कव्वाली ग्रुप साबरी ब्रदर्स के नाम से मशहूर हो गया। इसके बाद 1958 में EMI पाकिस्तान लेबल के तहत मकबूल की पहली रिकॉर्डिंग थी तेरा कोई नहीं मेरे सिवा। उसके बाद तो जैसे मकबूल और साबरी ब्रदर्स का जैसे नाम चल पड़ा। उन्होंने कई मशहूर कवालियां एक साथ गाई, जिसमें से उनकी कुछ मशहूर कवालियां रही ताजेदार हरम, साकिया और पिल्ला और बालाघाट उलाहे कमले ही। मकबूल ने इमाम अहमद रज़ा के एक कलाम लाम यती नजरू का को भी गाया है, जो कि चार भाषाओं अरबी, उर्दू, फारसी और हिंदी में अवेलेबल है। इसी के साथ मकबूल की शब्द शैली तो इतनी कमाल की थी कि वो फारसी, उर्दू और पंजाबी जैसी लैंग्वेजेस में ट्रेडिशनल पोइट्री भी किया करते थे। इतना ही नहीं, अपने समय के बेहतरीन शास्त्रीय गायकों में मकबूल का नाम सबसे ऊपर आता था। एक अच्छे कव्वाली सिंगर होने के साथ साथ मकबूल एक ऐसे पोइट रहे जिन्होंने कई मशहूर कव्वालियाँ लिखी भी, जैसे कोई मुझसे पूछे मैं क्या चाहता हूँ और अजमेर को जाना है। इतना ही नहीं, मकबूल का हाथ तो जैसे गज़लों में भी कोई नहीं पकड़ सकता था। उनकी कुछ मशहूर गज़लें रहीं घुंघरू टूट गए, दिन एक सितम, मेरे मिजाज की आवारगी और आईना तोड़ दिया। पाकिस्तानी फिल्मों में तो मकबूल की कव्वालियों का जादू था ही, लेकिन उनकी कुछ मशहूर कवालियाँ इंडियन फिल्म्स में भी दिखाई गई, जैसे छाप तिलक सब छोड़ दीनी, भर दो झोली या मोहम्मद, दमादम मस्त कलंदर और तेरे दर को छोड़ चले। इसी के साथ साबरी ब्रदर्स को पाकिस्तानी टेलीविज़न कॉरपोरेशन की तरफ से फर्स्ट क्लास का स्टेटस मिला हुआ था, यानी कि साबरी ब्रदर्स अपनी सिंगिंग के लिए पाकिस्तान के साथ साथ कई और देशों में भी मशहूर हुए। उन्होंने कई और देशों का भी दौरा किया, जैसे यूरोप, अमेरिका, नेपाल, कनाडा और न्यूयॉर्क। वैसे तो मकबूल और साबरी ब्रदर्स के अचीवमेंट्स इतने ज़्यादा हैं जिन्हें शायद इस छोटे से वीडियो में बता पाना जैसे नामुमकिन है। अब बात करते हैं मकबूल और साबरी ब्रदर्स को मिलने वाले कुछ ख़ास अवार्ड्स की। 1978 में साबरी ब्रदर्स को पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इसके अलावा मकबूल और ग़ुलाम फरीद साबरी को बुलबुले पाक ओ हिंद के साथ साथ खुसरो रंग नाम के अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। और वीडियो के अंत में मैं बात करूंगी मकबूल के निजी जीवन और उनकी डेथ के बारे में। मकबूल की शादी फातिमा जी के साथ हुई थी, जिससे उन्हें एक बेटा है जिसका नाम है शुमेल अहमद साबरी। इसी के साथ मकबूल की 5 बेटियां और भी हैं। मकबूल के निजी जीवन से जुड़ा एक पहलू ये भी रहा कि वो अपने बड़े भाई ग़ुलाम फरीद साबरी को अपने गुरु की तरह मानते थे, लेकिन जब फरीद साहब का निधन हुआ तो मकबूल जैसे अंदर से टूट गए और तब से वो दुख भरी कविताएं ही लिखने लगे थे। ग़ुलाम साहब के जाने के बाद हम सभी को वो बुरा वक्त भी देखना था जब मकबूल ने
इस दुनिया को अलविदा कहा। बात साल 2011 की है, जब मकबूल शुगर और कई दिल की बीमारियों से पीड़ित हो गए थे और साउथ अफ्रीका में वो अपना इलाज करवाने गए हुए थे और उनका इलाज लगभग 2 महीने तक भी चला। लेकिन 21 सितंबर 2011 को दिल का दौरा पड़ने से मकबूल का निधन हो गया। सच पूछिए तो मकबूल साहब को खोना सिंगिंग की दुनिया की वो क्षति है जिसे शायद कोई पूरा नहीं कर सकता। तो ये थी कुछ खास बातें मकबूल अहमद साबरी के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।